नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आज हम मुखातिब हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके प्रशंसकों का एक बहुत बड़ा हुजूम है और इनसे नफरत करने वालों की भी एक बड़ी जमात है। पर सच क्या है, आज हम इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सच्चाई क्या है? अब सियासत में तो लोग पसंद भी करते हैं और मुखालिफत भी करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार हर एक पॉलिटिशियन रहना चाहिए, ख़ास तौर से मुखालिफत के लिए। और जमहूरियत है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई किसी से मुत्तफिक हो जाए, किसी की तायद करे। यही जमहूरियत की खूबसूरती है कि लोग आपकी तायद भी करेंगे, लोग मुखालिफत करेंगे। तो मैं तो इसको, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। डेमोक्रेसी की बात आपने की, डेमोक्रेसी पर को लेकर इस समय बड़ी एक बहस चल रही है। इस समय पूरी डेमोक्रेसी में ही संकट आया, पूरी डेमोक्रेसी लाइन लगा के खड़ी है। नोटबंदी की वजह से लोगों के सामने ऐसा संकट आ गया है कि 2000-4000 शादियाँ आई, बीमारियां आई, सब चीजों पर संकट आया हुआ है। तो ये जो फैसला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये फैसला गलत फैसला है। ये फैसले को सोचकर, समझकर, पूरी प्लानिंग करके नहीं लिया गया और प्रधानमंत्री और उनकी हुकूमत को इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। हर कोई चाहता है कि ब्लैक मनी का खात्मा हो, मगर ब्लैक मनी में कैश कंपोनेंट सिर्फ 6% है और 6% के लिए आपने 86% करेंसी को विड्रॉ कर लिया, लीगल टेंडर उसको बंद कर दिया, तो इससे तमाम को नुकसान पहुंच रहा है और ख़ास तौर से गरीब आवाम, लेबर, डेली वेज अर्नर्स, खवातीन, एग्रीकल्चर। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि गरीब सो रहा है और पैसे वाला नींद की गोली खा रहा है। आज सब लोग लाइन में खड़े हैं, सब परेशान हैं। 12 दिन के बाद भी आज भी लाइन कम नहीं हो रही है, इसलिए कि बैंक में पैसा नहीं है और ख़ास तौर से जो रूरल एरियाज में तो बहुत बुरा हाल है। रूरल एरियाज में तो हम आप और हम देख ही नहीं सकते क्या, और 60 लोगों की मौत भी हो चुकी है और हुकूमत के पास ना कोई प्रोग्राम है ना कोई एक्शन है। जी, एक सवाल यहाँ पे खड़ा होता है सर कि बहुत बड़ा पब्लिक अनरेस्ट है इसकी वजह से और बहुत पब्लिक से जुड़ा मसला भी है। आपने जैसे कहा करीब 90-95% लोगों से जुड़ा मसला है ये। इसके बावजूद जो पूरा अपोजिशन है देश का, वो किसी तरह का पब्लिक मोबिलाइजेशन करने में असफल क्यों है? एक पूरे अपोजिशन में एक क्रेडिबल फेस कोई क्यों नहीं है कि जो इतने महत्वपूर्ण मौके पे, इतने पब्लिक से जुड़े मसले पर भी लोगों को लामबंद नहीं कर पा रहा है? देखिए, ये जो डीमोनेटाइजेशन का जो मामला है, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सर्वाइवल का इशू है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। और अगर बीजेपी ये समझ रही है कि कोई क्रेडिबल अपोजिशन फेस नहीं है, मुझे यकीन है ये बात सही हो सकती है, मगर मुझे इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि इसको अगर हर चीज़ को हम सियासत की आइनक से देखेंगे तो ठीक नहीं है। ये इशू गरीबों के सर्वाइवल का है। अगर हमारे मुल्क में 40 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, 40% लोगों के पास अकाउंट नहीं है, तो वो उनका क्या होगा, कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे वो लोग? ये बहुत परेशानी की बात है। आप तो कहते हैं कि जनधन अकाउंट खोल दिया है सबका प्रधानमंत्री। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई बीजेपी का एमपी किसी बैंक के सामने जाकर यही जुमलों को दोहरा दे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब सो रहा है और अमीर परेशान है। देख ले लोग उनको किस जबान में उनसे गुफ्तगु करेंगे। और ये तो, और सेक्शन 26 आरबीआई का जो है, सेक्शन 26 सबसेक्शन 2, जिसमें ये कहा गया है कि आरबीआई के रिकमेंडेशन पर ही ये डीमोनेटाइजेशन हो सकता है, वो बताइए, लाइए रिकॉर्ड पेश करिए मुल्क के सामने। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जवाब देने से भाग रहे हैं और अपने ऐप पर सर्वे कराए, तो पार्लियामेंट की तोहीन है। क्योंकि नोटबंदी का फैसला एक ऐसे मौके पर आया है कि जब अगले आने वाले 3-4 महीनों में इलेक्शन है यूपी के, पंजाब के, गोवा के, त्रिपुरा के, अलग अलग मणिपुर के, सभी, तो इनका इस नोटबंदी का असर चुनाव पर कैसे पड़ेगा? क्योंकि आप भी उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत एक्सटेंसिवली इस बार, अतुल साहब चुनाव छोड़ दीजिए, चुनाव जीतेगा कोई हारेगा अलग बात है, ये हमको देखना है कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो अस्पताल में हैं, जो किसान अपने जो फसल के लिए उसको फर्टिलाइजर और सीड्स की जरूरत है,
गवर्नमेंट कह रही है 50,000 रुपए के लिए सीट्स खरीदेंगे, फिर दूसरा खर्चा कैसा करेगा वो? क्या 50,000 रुपए में आप बताइए क्या कैलकुलेशन 50,000 रुपए किया? ये बहुत बड़ी परेशानी मुसीबत है हिंदुस्तान के आवाम के लिए। थोड़ा सा चुनाव की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप भी चुनाव यूपी का चुनाव इस बार लड़ने जा रहे हैं, तो यूपी के चुनाव के हिसाब से किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं आप अपने लिए देख रहे हैं? हम लोग तो काफी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किए हैं, कई सभाओं को मैंने, जलसों को मुखातिब किया हूँ। तो अब आइंदा का जो मरहला है वो कैंडिडेट सिलेक्शन का है, और डिसाइड करना है कि हम कैसा आगे लेके जाएंगे। तो जाहिर हमारे जो वहाँ के सूबाई सरदार शौकत साहब और पार्टी के जिम्मेदारों से मेरी गुफ्तगु हो रही है, तो जल्द से जल्द हम लोग तय कर लेंगे कितने कैंडिडेट्स का, और उनका ऐलान भी करेंगे। कितनी सीटों पर कुछ आइडिया? अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको डिस्क्लोज किया जाए, कि थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद बताएंगे। एक चीज है सर, एक प्रॉब्लम जो आती है, ये देखा जाता है कि एक बीजेपी के रूप में एक हार्डकोर पार्टी पावर में है, और जब आप चुनाव लड़ते हैं तो ये कहा जाता है कि बहुत पोलराइजेशन हो जाता है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, तो ये आरोप लगता है कि तो उसको उसको कैसे आप हैंडल करेंगे, क्या ऐसा होगा? अब देखिए, पार्लियामेंट का इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुआ, मैं तो एक सीट नहीं लड़ा, 72 पे बीजेपी जीत गई, और यादव खानदान के 5 लोग जीत जाते हैं, माँ बाकी लोग भी जीत जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई उत्तर प्रदेश की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक भी मुसलमान कामयाब नहीं हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ क्या उसका? तो मैं तो लड़ा ही नहीं। अच्छा, पूरे हिंदुस्तान में 280 सीट पे बीजेपी कामयाब हो गई, मैं जिम्मेदार नहीं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना, ये सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोग, ये गुरूर और तकबुर की इनकी निशानी है। पर बिहार का अगर आपका तजुर्बा देखा जाए, जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो उस हिसाब से यूपी में क्या? नहीं, बिहार का हम तो सिर्फ 6 सीट पे इलेक्शन लड़े, और यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली, और उसमें कई वजह है। एक तो ये कि हम लेट गए, और दूसरा है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं था। और ठीक है, इलेक्शन में जीत हार लगी है, पर मेरा मानना यह है कि जो इश्यूज हैं माइनॉरिटीज के, उसको जिस तरीके से लाना चाहिए वो लोग ये पार्टीज नहीं लाते। मुसलमानों, खास तौर से मुसलमानों के कंधे पर ये बोझ रख गया था कि भाई अब सेकुलरिज्म की जिम्मेदारी भाई साहब आप पर है, आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 70 साल हो चुके हैं, अब हम ये बोझ नहीं उठाएंगे, हमारे खंधों में जान नहीं है कि ये बोझ उठाए, आप भी उठाइए। माने वोट हमारा होगा और पूरे फायदे यादव परिवार उठाएगा। कि आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कम्युनल राइट इंसिडेंट्स होते हैं, मुजफ्फरनगर का इतना बड़ा फसाद हुआ कि आजादी के बाद 50,000 लोग बेघर हो गए, कहाँ कहाँ चले गए, राजस्थान चले गए, दिल्ली आ गए, कभी नहीं हुआ। तो एक चीज बता सकते, जो चुनाव आप लड़ेंगे, जो जिस लाइन पे, उसका एक एक सेकुलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें तमाम सारे लोग और भी इन्वॉल्व? हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करेंगे। मैं इस्लाम के नाम पे वोट नहीं पूछ सकता, यह कानूनन जुर्म है, और खास तौर से हिंदुत्व का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। मगर मैं इस बात के नाम पे जरूर वोट ले सकता हूँ कि मुसलमानों के एम्पावरमेंट के लिए, चाहे वो एजुकेशन का हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इस पे हम जरूर पूछेंगे। दलितों के सेफ्टी के लिए हम पूछेंगे, कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे। आपने पीछे जो सवाल किया था, मुझे उस पे लौट के एक सवाल करना था। इस देश में हमने देखा कि रोहित वेमुला की मौत हुई, उसके बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन हुआ, एक आंदोलन हुआ, राहुल गांधी, तमाम नेता वहां पहुंचे, हैदराबाद पहुंचे, यहाँ पे जनता मंदिर पे उना का आंदोलन हुआ, तो हमने वहां देखा कि वहां पे पूरे एक नेशनल लेवल का एक कैंपेन खड़ा हुआ, इस तरह की तमाम चीजें। और उसी संदर्भ में जब हम नजीब का मामला देखते हैं, तो उस तरह का मोबिलाइजेशन नहीं होता है, या उस तरह का न तो वहां पे राहुल गांधी पहुंचते हैं या उस तरह के। ये आज के माहौल में ऐसा क्यों है कि नजीब की मौत और रोहित वेमुला की मौत में इस तरह का डिफरेंस हमको देखने को मिला? सबसे पहली चीज ये है कि मुझे उम्मीद है कि नजीब जिंदा है, कि नजीब को कुछ ना हो इंशाल्लाह, और हुकूमत की एक काहली है, डिलिब्रेट इनकी पॉलिसी है कि वो नजीब के केस को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना, जिस तरह से मेहनत करना, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरे वाकयात में आप रोहित वेमुला से नजीब को मत मिलाइए, रोहित वेमुला यकीनन दोनों भी तकलीफ दे हैं, मगर आपको अगर मिसाल देना है तो नजीब
की मिसाल भी दीजिए और जो मध्य प्रदेश में एनकाउंटर में जिन लोगों को मारा गया, आप देखिए कि ओआरओपी के नाम पर एक सिपाही ने खुदकुशी की, यहाँ पर तमाम पार्टी कूद गए। जाहिर है वो बड़ी कंडेमनेबल बात है, गमगीन बात है, तकलीफ देह बात है, मगर कांग्रेस में एहतजाज नहीं करती भोपाल में। और यकीन है नजीब का मामला बदायूं में देख लीजिए, जहां से समाजवादी के एमपी हैं वो जाकर नहीं मिलते, मजबूरन नजीब की माँ को लखनऊ जाना पड़ा और जाकर अखिलेश से मिलना पड़ा इतने दिन के बाद, 25-28 दिन के बाद। मैं थोड़ा सा अब पर्सनल दूसरे उन मुद्दों पे आना चाह रहा था। तीन तलाक का मुद्दा है जो मुस्लिम कम्युनिटी के का बहुत मतलब इमोशनल उसका एक मुद्दा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दिया है, इसको अबॉलिश किया जा सकता है या इस पर रोक लगाई जा सकती है। एक बात समझिए, नंबर वन फर्स्ट पॉइंट के पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री नहीं है, सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री नहीं है, ईरान इस्लामिक कंट्री नहीं है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री नहीं है। मुस्लिम कंट्री हो सकता है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस्लामिक कंट्री का कॉन्सेप्ट ही बहुत बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हो जाएगी, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट के एफिडेविट में कहते हैं जो पॉलीगेमी के ऊपर ये मिसाल देते हैं, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, तुनिसिया की, मोरक्को की, टर्की की, सात आठ मुल्क की मिसाल देते, सिवाय टर्की के सब दूसरी शादी अलाउ कर रहे हैं। दूसरा अपने एफिडेविट में वो बात करते हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, ICCPR। भाई अगर वो है तो फिर हमने अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उसके खिलाफ क्यों मनाया? वहां पर आप एक बात बोलते और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट डालते, तो इससे गवर्नमेंट का खुद पॉलिसी जो है उससे जाहिर हुआ थी। तीसरी बात यह है कि अगर मिस्टर मोदी को इतनी फिक्र है मुस्लिम खवातीन की, तो फिर गोवा में कानून है, मैरिज एक्ट है, जिसमें यह कहा जाता है कि एक हिंदू हस्बैंड को दूसरी शादी करने की इजाजत है। कब है? जब 25 साल की उम्र में उसकी वाइफ बच्चा नहीं पैदा करेगी या 30 साल की उम्र में बेटा नहीं पैदा करेगी। तो मिस्टर मोदी इसके बारे में क्यों नहीं बोलते, मैं खत्म कर दूंगा। और तलाक के मामले में जो गवर्नमेंट के फिगर्स हैं वो मुसलमानों में है, ये एक सोशल इवल है, नहीं मानता हूं इसको, मगर उसका परसेंटेज देख लीजिए कि ये जो मसला है ट्रिपल तलाक का, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मुसलमानों से कहा कि भाई इस तरह से तलाक मत दीजिए, ये सही तरीका नहीं है। और इसमें हमको समझने की जरूरत है कि बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जो है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती है, और ये इनका मसला है, हमको तय कर ले दीजिए हम क्या करेंगे। मेरा ये कहना है तो सुप्रीम कोर्ट मोदी को पॉलिटिकल उससे हटा दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला करता है तब आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या तय करेगा नहीं करेगा वो तो बहुत जल्दबाजी होगी। सुप्रीम कोर्ट अगर तय करता है तो फैसला मानना पड़ेगा हर एक को। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमारे पास कानून है, 10 साल आप अंदर शादी नहीं कर सकते, मगर शादी हो रही है। तीन चीजें सर, छोटी छोटी मतलब चीजें बड़ी हैं, लेकिन मैं उनका बहुत शॉर्ट में वो चाहूंगा। सिविल यूनिफॉर्म कोड की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसी चीजों पर बात हो रही है, और तीन तलाक जैसी चीजें उसके तहत, ये माना जा रहा है कि ये सरकार इन चीजों के खिलाफ है। अच्छा एक बात मैं आपको, जो हमने लॉ कमीशन में सरकार को छोड़ा जाए तो क्या आपको क्या लगता है इस तरह की चीजें जायज हैं या नाजायज? मैं आपसे ये कहूंगा इस इन तीन बातों, खासतौर से दो जो आपने जिक्र किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्सनल लॉ। मैंने लॉ कमीशन में जो रिप्लाई दिया वो आपको कॉपी दे दूंगा मैं, आप पढ़ लीजिए। पहले तो हम बीजेपी से पूछना चाह रहे हैं कि आप बता दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ड्राफ्ट छोड़ दीजिए, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आपके पास उसके माने क्या है। दूसरी बात, क्या आप मिजोरम और नागालैंड को कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहा है कि उनके कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या आप ले सकते? मोदी सरकार ने नागा से फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट साइन किया, वो आज तक पब्लिक डोमेन नहीं जाते आप, चलिए लाइए पब्लिक डोमेन में और आप कह दीजिए कि नागा और मिजोरम को हमने जो राइट्स जो खत्म कर देंगे, नहीं कर सकते। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट में टैक्स रिबेट्स मिलते हैं इनकम टैक्स में, तो भाई क्या वो वायलेशन नहीं है राइट टू इक्वालिटी का कि आप नॉन हिंदू को उसको उससे महरूम कर दिए, हमको शामिल करिए उसमें, आप उसमें नहीं देना चाहते। और बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी सिर्फ दो ही आर्टिकल्स को रिलीजियस कलर दे दिया, 44 और कॉ प्रोटेक्शन का। कॉ प्रोटेक्शन रिलीजियस नहीं है, इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे है,
इसको बीजेपी ने रिलीजियस कलर दे दिया, तो फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बीजेपी क्यों नहीं बात करती जिसमें कहा गया कि अल्कोहल पर बैन लगाइए, लगाइए बैन। तो इनको सिर्फ मकसद ये है कि मुसलमानों से इनको इतनी नफरत है और ये अपनी नफरत का इजहार इस तरह से कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये इस्लामिक जो ट्रेडिशन है उसमें ये जिन चीजों की बात हो रही हम कर रहे हैं वो कुरीतियां हैं या वो कुछ ऐसे ट्रेडिशन है जिनको कि हमें सुधार की जरूरत है? देखिए हर सोसाइटी है, सेक्शुअल सोसाइटी में सुधार की जरूरत है और मुस्लिम बसला बोर्ड ने कई मीटिंग्स किए, पब्लिक मीटिंग्स किए, खवातीन से बात की, मर्दों से बात की, शरी अदालत कायम की और कहा कि भाई इसको हमको रोकना है। मगर जो डेटा है मेरे सामने वो डेटा तो ये बता रहा है कि ठीक है तलाक होता है, नहीं कुछ नहीं कर रहा है, मगर डेटा ये बता रहा है कि भाई इसको आप जिस तरह आसमान सर में उठा लिए वैसा नहीं है जी। नहीं है ऐसा, डेटा के ऊपर बात करिए, एम्पिरिकल एविडेंस पे बात करते हैं हम लोग। मतलब सरकार इसमें ना पड़े और कोर्ट इसमें ना पड़े, उसकी बजाय सोसाइटी के अंदर से एक एक जो जो कहते हैं सुधार के लिए या एक रिफॉर्म का एक मूवमेंट इस तरह का कुछ चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल काम हो रहा है। और आप अनफॉर्चुनेटली क्या है कि अगर मीडिया जाकर देखेगा मुस्लिम सोसाइटीज में, कॉलोनीज में, महलों में कि जिस तरीके से इस पर काम हो रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, मिसाल के तौर पर तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में एक निकाहनामा है, निकाहनामे में सब चीज लिखी जाती है, हर चीज लिखी जाती है। और इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप डालिए कंडीशन तो आपको डालना है, तो कौन रोक रहा है आपको? हमारे एक दिल्ली के मुफ्ती मौलाना है मौलाना अथर दहलवी, वो मुझे बताए हैं कि उनकी नानी के निकाहनामे में लिखा हुआ है, नानी लिखती है उनकी कि भाई तुम मुझे पान का खर्चा दोगे, तुम मुझे रोकोगे नहीं अपने माँ बाप से मिलने के लिए, तुम मुझे रोकोगे, तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे घर का काम करो, ये सब चीजें हैं। आखिरी एक सवाल, अभी हाल फिलहाल में एक इस्लामिक प्रीचर है जाकिर नायक, वो उनके एनजीओ पर सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया, बहुत सारे पे छापे पड़ रहे हैं और ये वो उनके ऊपर आरोप भी कई तरह के हैं, तो क्या लगता है आपको ये सरकार की कार्रवाई जायज है या उनके जो अब सरकार ने एक्शन लिया है और इसको कोर्ट में उनको साबित करना पड़ेगा और जितने यूएपीए केसेस इस्तेमाल हुए हैं माजी में वो सब के सब औंधे मुंह गिरे हैं, कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते, ये सिर्फ ड्रैग करते हैं 2-3 साल मीडिया ट्रायल चला कर की बदनाम कर देते हैं और जब कोर्ट में फैसला आता तो मीडिया के पास स्पेस नहीं है उसको जिक्र करने के लिए। पर ये मतलब उनकी तकरीरें आपने भी सुनी होंगी जो भी है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा मानना यह है कि ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था, मेरा मानना यह है कि जिहाद के माने समझने की जरूरत है, मेरा मानना यह है कि आईसिस दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं लश्कर ए तैयबा को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता हूँ, हाफिज सईद को टेररिस्ट मानता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से जवाब दे सकता हूँ, दूसरों के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू।